टेंथ की जो ज्योमेट्री है बहुत इजी है। आपने अगर ये पढ़ा हुआ है इस टॉपिक की, अगर मैं बात करूं सिमिलर ट्राइंगल, तो मुझे आप बता सकते हो टू ट्राइंगल्स कब सिमिलर होते हैं? सर जब उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ और दे आर पहला होता कॉस्ट है ऑल थ्री एंगल्स, ठीक है, जिसे आप एंगल 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 सिमिलरिटी बोलते हो। अगर तीनों यस। एंगल इक्वल हो जाएं तो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं, लेकिन जब भी तीन एंगल इक्वल होंगे तो उसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं कि दो एंगल इक्वल हो जाएं, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। यस सर। तो हम तीनों वाला यूज ही नहीं करते, हम दो से ही काम चला लेते। यस और एक थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है? सर। ओके साइड एंगल साइड, कौन सी प्रॉपर्टी है? साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड कौन सी प्रॉपर्टी होती है? अगर दो साइड प्रोपोर्शनल हैं, प्रोपोर्शनल नॉट इक्वल, कॉन्ग्रुएंट सर। की बात नहीं हो रही है, और उनके बीच का एंगल इक्वल है, इफ टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यस, यस फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है? सर। देखो ज्योमेट्री जब आप पढ़ोगे तो बेटे ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है थ्योरम, कॉन्सेप्ट। यहाँ फॉर्मूला आता होता नहीं, तो आपको इसका मतलब यही नहीं मालूम, इसीलिए आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है साइड साइड साइड, इफ ऑल थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तमीज से बैठे बेटे, प्लीज इसको रीड करिए, आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। पेन लीजिए, मार्क करिए जो भी टफ टफ वर्ड हो, टर्म्स हो। तो ये हमारे पास है साइड साइड साइड। अब इसमें से देखना है वो क्या रहा है बेटे, आपको क्वेश्चन भी इतना ही करना है कि आपको ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। क्या करना है? सिमिलर ट्राइंगल एडीई सिमिलर टू एबीसी, इतना सा पार्ट करना है। तो सिमिलर करने का तरीका सिर्फ इतना ही होता है कि भाई उठा के ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनमें से एक ढूंढ लो। अगर कोई भी आपके पास एक प्रॉपर्टी आ गई तो आप लिख दोगे यस ट्राइंगल का सिमिलर। तो मेन पार्ट बेटे इतना सा ही है, समझ में आ गया? यस सर। तो अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है और हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है, अब मैं दोबारा से इसको मेंशन कर रहा हूँ, हमारे पास जो है वो दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्गुरेंट ट्राइंगल ए सी डी। जब भी आप ज्योमेट्री करेंगे तीन पार्ट तो आपको क्वेश्चन से मिल जाएंगे, तीन का दो गई गिवन और टू प्रूफ। प्रूफ प्रूफ क्या करना है? ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी एंड थर्ड फिगर। ये तीन चीजें आपको क्वेश्चन से ही लिखनी है। अब यहां से स्टार्ट होता है प्रूफ, ये आपको करना है कि प्रूफ क्या होगा। प्रूफ के लिए मैंने आपको बता दिया ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए इन फोर में से किसी एक प्रॉपर्टी को लाना। अब देखो मेंशन करो कि ए बी ई क्या है। अगर आप चेक करेंगे ए बी ई ये है जो गिवन है, वहां से स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल ए बी। और ए सी डी क्या है भाई? जी बेटे ए सी डी। थोड़ा सा भी अगर आप गिवन पार्ट पे ध्यान देंगे तो काम चल जाएगा। तो ये दोनों फिगर कैसे गिवन है? ए बी ई और ए डी ए सी डी कैसे गिवन है? AD कॉमन ये जो ट्राइंगल मैंने मेंशन करे हैं,
एक ब्लैक मेंशन किया है और एक रेड मेंशन किया है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट के कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं और बस देखो आंसर आ जाएगा। ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट ए सी डी। आप प्रूफ में जो भी लिखेंगे उसमें कोई ना कोई उसका रीजन देना कि मैंने ये लाइन क्यों लिखी है। मैंने लाइन ये इसलिए लिखी है बिकॉज गिवन। अगर ये है तो आप लिख सकते हो कि भाई ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। क्या रीजन दोगे? सीपी बाय प्रूफ गिवन by CPCT, corresponding parts of congruent triangles are equal. Yes or no? Yes sir. ठीक है। अब इसी का corresponding part में AE मान लेता हूँ, AE, और एक में मान लेता हूँ AD। मतलब हमने कहा कि ये जो AB है और ये जो AC है ये equal है। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि जो AD है और जो AE है वो भी equal है। AD is equals to A. बताओ AD AE के इक्वल क्यों है? अभी समझ में नहीं आई बात आपको है? चलो देखो दोबारा से देखो फिर मुझे बताओ कि क्या समझ में आया। ये ट्रायंगल है ए बी, और ये ट्रायंगल है ए डी सी। अब समझ में आया? और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या दिया हुआ है? कॉन्ग्रुएंट ABE is congruent ACD. तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे? इक्वल। तो AB किसके इक्वल होगा? AC के। और AD किसके इक्वल होगा? AE। अब समझ में आ गया? यस सर। और एंगल A जो होगा बेटे वो एंगल A के इक्वल होगा। यस। ठीक है। Yes, उसके हमें जरूरत नहीं है फिलहाल। तो हमारे पास AB equals to AC आ गया और AD is equals to AE आ गया। तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ AB upon AD is equals to AC upon AE? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हमारे पास क्या, मैंने क्या लिखा by CPCT? आप क्या कह रहे हो कि ए बी ए सी के इक्वल है, पहला मैंने लिखा, दूसरा मैंने लिखा ए डी ए के इक्वल है। तो अगर मैं उनको डिवाइड कर दूं तो क्या उनका रेशो इक्वल आएगा? यस सर। भाई हर चीज को समझ के चलो, वैसे इतनी मजाक नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ टेन इक्वल्स टू टेन एंड टू इक्वल्स टू टू, तो क्या टेन बाई टू टेन बाई टू के इक्वल होगा? यस सर। वही हम कह रहे हैं कि ए बी ए सी के इक्वल था, AD AE के इक्वल था, तो अगर उन्हें डिवाइड करेंगे तो रेशियो इक्वल आएगा। तो ये इक्वेशन आ गई वन। क्या आ गई इक्वेशन? वन। अब जरा बात करो उसकी जो हमें चाहिए, हमें प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब जरा ध्यान से रखना जो आपने कहा है, मैं दोबारा से फिगर बनाने जा रहा हूँ क्योंकि ज्योमेट्री सिर्फ फिगर पे ही है बेटे। जब इंशाल्लाह इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो मजा आएगा आपको पढ़ते। ये आपके पास ट्रायंगल है बेटे ए डी सी और ये छोटा ट्रायंगल है ऊपर ए डी। आ गया समझ में? अब हमने जो प्रूफ किया है, हमने क्या कहा है कि ए बी और ए डी का रेशो और ए सी और ए ई का रेशो क्या हमने इक्वल शो कर दिया या नहीं करा? यस सर। और अगर मैं यहाँ लिख दूं एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, रीजन
कॉमन कॉमन कॉन्गुरेंट तो दो कॉन्गुरेंट लिमिट सिमिलर तो दो दो साइड की रेशियो सेम आ गई यस सर और एक एंगल क्या आ गया बीच वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ गया तो ट्रायंगल कैसे हो गए सिमिलर तो आपको क्या शो करना था नाम उसी हिसाब से लिखना है तो ट्रायंगल एबीई इज सिमिलर टू एडीई होगा एडीई एडीई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ठीक है एबीसी कौन सी प्रॉपर्टी लगाई साइड एंगल साइड बताओ समझ में आया या नहीं आया जी यस अंजला समझ में आया बेटे अंजला यस समझ में आ गया यस समझ में आ गया तौहीद बताओ कुछ पूछना है सर एक क्वेश्चन है इक्वेशन का